तो ये देखो बच्चों, ये इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ये एक क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक लाइट की रे है, एक लाइट की बीम है, दिस बीम इज ए बीम ऑफ कंपोज रे, रेड और ग्रीन दो कलर से बनी है, इंसिडेंट ऑब्लिक यू ऑन ए पॉइंट सर्फेस ग्लास स्लैब पे पड़ती है, व्हेन कमिंग आउट अपोजिट पैरेलल फेस द रेड एंड ग्रीन इमर्जेंट फ्रॉम, ठीक है ना। टू देखो कहानी क्या है, पहले इस कहानी को समझना। सबसे पहले एक ग्लास का स्लैब ले लो, उस ग्लास स्लैब पे अपन को जो है, हम लोगों को एक देखो एक ग्लास का स्लैब है, और इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आई होप कि आप कॉन्सेप्ट जानते होंगे। ये ग्लास स्लैब है और इधर एयर है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो ऑब्लिक की एक बीम पड़ी है, जो दो दो कलर से मिल के बनी हुई, ये जो है वो दो कलर से मिल के बनी हुई, रेड प्लस यहाँ से ग्रीन से मिल के बनी हुई है, रेड प्लस ग्रीन का कॉम्बिनेशन है। तो अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये रे ऐसे चली जाती, बट अभी ऐसा नहीं होगा, अभी इट डेंसर मीडियम मिल गया, तो इट विल गो टुआर्ड द नॉर्मल, क्योंकि ये नॉर्मल है और ये इधर को मुड़ेगी टुआर्ड द नॉर्मल, तो नॉर्मल को टुआर्ड मिलेगी, बट अलग अलग डेविएट होगी। सबसे ज़्यादा जो डेविएट होती है वो, सबसे कम जो डेविएट होती है वो रेड आएगी, तो रेड जो है रेड कुछ ऐसे आएगी, तो जो ग्रीन वाली है कुछ ऐसे आएगी, समझे। ये वाली जो है वो ग्रीन है और ये वाली जो है वो रेड है, ठीक है ना, रेड वाली। तो जो ग्रीन और रेड है वो अलग अलग डेविएट होंगे, क्योंकि एक्चुअल पाथ से ये जो है डेविएशन होता है, तो रेड कम डेविएट होगी, ऐसे समझो। अब यहाँ से ऐसे चले जाएं, बट इट विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल ये दोनों ऐसे कुछ जाएंगी, ठीक है ना, और ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी, और ये वाली जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमेशा याद रखना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के इक्वल होता है। तो अगर तुम देखोगे यहाँ से ये एंगल, दिस एंगल इज़ अल्फ़ा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये वाली जो एंगल है वो भी अल्फ़ा होगी, ये भी अल्फ़ा होगी, ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ से आप बेसिक थियरी पढ़े होगे कॉन्सेप्ट, इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस के इक्वल होती है, तो इंसिडेंस एंगल इमर्जेंस एंगल के इक्वल होती है, ये आप कॉन्सेप्ट पढ़े होगे। तो ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी और इक्वल है, टू प्रोपगेटेड टू डिफरेंट पैरेलल है, टू लाइट पैरेलल डिफरेंट नॉन पैरेलल, ये गलत है, ये सही है, वन पॉइंट पर ये गलत है, ये गलत है, ठीक है ना।